हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे सब। दोस्तों, यहाँ मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ 10 हिडन शॉर्टकट्स की फॉर डे बुक। जी हाँ दोस्तों, टैली आरपी 9 में आप डे बुक का यूज़ तो करते होंगे, बट उसके 10 हिडन शॉर्टकट्स क्या क्या हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं 10 हिडन शॉर्टकट्स के, कैसे कैसे उनको यूज़ करेंगे। उसके पहले मैं आपको इस 10 हिडन शॉर्टकट्स के पहले मैं आपको डे बुक बेसिकली होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। डे बुक लिस्ट ऑल द ट्रांजेक्शन्स मेड इन अ पर्टिकुलर डे एंड बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले द लास्ट वाउचर्स एंट्री डेट ऑफ रेगुलर वाउचर्स। मतलब डे बुक में पर्टिकुलर डेट पे आप सारे के सारे वाउचर्स देख सकते हो जो भी आपने पास किए होंगे एक दिन पर, और बाय डिफॉल्ट जो टैली में शो होता है वो लास्ट डेट का ही वाउचर्स आपको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उसके बाद आपको बताऊंगा कि इट कुड ऑल्सो बी सेट अप टू लिस्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन मेड ओवर अ पीरियड सर्टेन पीरियड्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जितने भी पीरियड के लिए आपने जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं वो सबको भी आप देख सकते हो। ऑल द ट्रांजेक्शन को आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स ऑल फाइनेंशियल वाउचर्स रिवर्सिंग एंड मेमोरेंडम्स जर्नल्स एज वेल एज इन्वेंट्री वाउचर्स। यहाँ पर ये सारे वाउचर्स इंक्लूड किए जाते हैं। इन टैली आर पी 9 द डे बुक इज बाई डिफॉल्ट डिस्प्लेइंग फॉर करेंट डेट एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द वाउचर एंट्री। यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ वाउचर एंट्री दिखाई जाती है, जैसे मैंने आपको ऊपर कहा बाई डिफॉल्ट आप लास्ट डेट के वाउचर्स देख सकते हो, लेकिन आप पीरियड सिलेक्ट करके आप सारे पीरियड जो स्पेसिफाइड पीरियड का आप देखना चाहो वो पीरियड का आप देख सकते हो। हाउ एवर यू मे स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड पीरियड एज यू रिक्वायर्ड। ओके, टू व्यू द डे बुक, डे बुक को आप कैसे व्यू करेंगे? तो गेटवे ऑफ टैली पे जाइए, डिस्प्ले कीजिए एंड डे बुक में जाइए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको जाके दिखाता हूँ डे बुक में बेसिकली टैली में कैसे जाते हैं। यहाँ पर मैं गेटवे ऑफ टैली पे हूँ, यहाँ पर डिस्प्ले में जा रहा हूँ, डिस्प्ले देन डे बुक। इस तरीके से मैं डे बुक में आ गया हूँ और देखिए मेरा 1 जून की एक एंट्री शो हो रही है, जबकि मैंने इसमें और भी सारी एंट्री मारी हुई है। मैं यहाँ पे पीरियड डिफाइन करके देखिए 1 अप्रैल से लेके 1 जून, बट मुझे 1 जून की एंट्री शो हो रही थी जो कि करेंट डेट था मेरा, लास्ट लेटेस्ट डेट ऑफ एंट्री था, वहाँ पर ही मेरी हुई है जाके डे बुक में एंट्री शो हो रही थी। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके 10 फीचर्स आपको जो के साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो कुछ ऐसे हैं। पहला यहाँ पे मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो डिस्कस करने वाला हूँ कि टू हाइड वाउचर्स, वाउचर्स को हाइड कैसे करते हैं। तो अल्ट प्लस आर, यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर वाउचर्स को अगर आपको हाइड करना है तो अल्ट प्लस आर कीजिए, आप उस वाउचर को हाइड करेंगे। देखिए दोस्तों, हाइड कर रहे हैं आप, ठीक है। और अगर आप दूसरा फीचर्स यहाँ पे देखेंगे तो टू अनहाइड वाउचर्स, अल्ट प्लस यू, आप किसी भी वाउचर्स को अगर अनहाइड करना चाहते हो तो आप देखिए अल्ट प्लस यू कीजिए, वो वाउचर्स अनहाइड होते जाएंगे। नेक्स्ट जो आप सीखने वाले हो, टू अनहाइड ऑल द वाउचर्स, कंट्रोल प्लस यू, आप सारे के सारे वाउचर्स अगर अनहाइड करना चाहते हो, मैं यहाँ पे हाइड कर दे रहा हूँ अल्ट आर करके। अब सबके सब वाउचर्स को अनहाइड करना है तो कंट्रोल यू करके, देखिए सारे वाउचर्स मेरे अनहाइड हो गए एट अ सेम टाइम। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ टू व्यू ओनली पर्टिकुलर वाउचर टाइप, वाउचर के टाइप पर्टिकुलरली आपको सिलेक्ट करना है तो F4 कीजिए। और यहाँ पे लेटेस्ट एग्जांपल मैं पेमेंट के सारे वाउचर देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे वाउचर जो टाइप जो दिख रहे हैं मुझे पेमेंट के दिख रहे हैं। इस तरीके से आप कर सकते हो F4 का यूज़ करके, किसी भी पर्टिकुलर वाउचर के टाइप के साथ आप उसे डिस्प्ले कर सकते हो डे बुक में। तो टू व्यू द वाउचर्स सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन, अगर मुझे कोई कंडीशन बेस पे मेरे वाउचर्स को देखना है तो मैं कैसे देख सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे कंडीशन बेस पे अपने वाउचर्स को देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं अल्ट प्लस F12 करूँगा, अल्ट प्लस F12 वाउचर्स में जाऊँगा, यहाँ क्या कंडीशन में डालना चाहता हूँ। लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं डालना चाहता हूँ कि वाउचर्स नंबर में मैं क्या देखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं डालना चाहता हूँ स्टार्टिंग विथ 5, 5 के बाद के सारे वाउचर्स मुझे शो होने चाहिए। तो यहाँ पे 5 देखो मेरा वाउचर्स नंबर शो हो रहा है मुझे। मतलब इन शॉर्ट बेसिकली जो भी मेरा कंडीशन में दूंगा यहाँ पर, ये वो कंडीशन फॉलो करके मुझे क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपके साथ जो यहाँ पर दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट फीचर्स इसके, वो है कि अगर कोई वाउचर्स को आपको ऐड करना है तो कैसे करोगे, अल्ट प्लस ए, इंसर्ट करना है तो अल्ट प्लस आई। तो चलिए दोस्तों, मैं ऐड और इंसर्ट दोनों करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं अल्ट प्लस ए कर रहा हूँ, देखिए मेरा वाउचर सेंटर हो गया लेटेस्ट डेट पे रेंट का। ओके, अब मुझे इंसर्ट भी करना है तो भी देखिए मैं कर सकता हूँ। फर्स्ट मे को एंट्री जा रही है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 1 जून कर देता हूँ।
2000 का एंट्री मारा है मैंने, देखिए 2000 की एंट्री आ गई। सो इन शॉर्ट ऐड भी कर सकता हूँ और इंसर्ट भी कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई मेरा वाउचर्स कैंसिल करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ अल्ट प्लस एक्स करके। देखिए मैं ये एडवर्टाइजमेंट के वाउचर्स को कैंसिल करने जा रहा हूँ अल्ट प्लस एक्स करके, यहाँ पे यस करके कैंसिल हो गया वाउचर्स, स्टेटस मेरा कैंसिल आ रहा है। अगर मुझे इसे डिलीट भी करना है तो अल्ट प्लस डी करके मैं इसे अंदर जाके डिलीट कर दूंगा यस करके, तो यहाँ पे मेरा वो वाउचर ही डिलीट हो गया है। अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर वाउचर्स को मुझे सिलेक्ट करना है तो और हाईलाइट करना है तो मैं प्रेस स्पेस बार करूँगा। यहाँ पे देखिए मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं स्पेस बार का यूज़ करने जा रहा हूँ। देखिए मैं स्पेस बार को यूज़ करके मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एक एक वाउचर्स को। अगर मुझे यहाँ पर सारे के सारे वाउचर्स को एक ही साथ में हाईलाइट और सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल करूँगा कंट्रोल स्पेस बार। देखिए सारे के सारे हो गए, कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस बार, देख रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ में 10 फीचर शॉर्टकट होप उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। तो इसी के साथ में मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा और मैं आपको ढेर सारे नए नए वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। अगर दोस्तों जी हाँ, ये आपको वीडियो अगर सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों ये वीडियो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और एटलीस्ट मुझे एक कमेंट करके और लाइक करके आप मुझे एक्साइटेड कर सकते हो कि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। प्लीज़ आप मेरे मोटिवेशन को बनाए रखिए, मैं आपके लिए हर एक बार एक कुछ नए नए वीडियो लाते रहूँगा। प्लीज़ दोस्तों आप ये वीडियो अगर आपको सच में अच्छी लगी हो तो आप शेयर जरूर करना और एक कमेंट देना प्लीज़, इतना तो एटलीस्ट कर देना दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।